वीरो अज कोई आम दिन नहीं हैगा, अज कोई आम फंक्शन नहीं हैगा, अज एक मकसद है। अज दे दिन एक बच्चे ने जन्म लिया, शायद अंग्रेजां दे अंपायर नू, बहुत वड्डा अंपायर सी, कहिंदे सूरज नहीं छुपदा सी उन्हां दे राज च, जिथे भी सूरज हुंदा सी उत्थे उन्हां दा राज हुंदा सी, ते जदों उत्थे सूरज छुप जांदा सी दूजे पासे धरती ते सूरज चढ़ जांदा सी, उत्थे भी उन्हां दा राज हुंदा सी, सूरज नहीं छुपदा सी। उन्हां ने सोचिया नहीं होना कि 28 सितंबर नू एक ऐसा योद्धा पैदा हो रहा है जिहड़ा महज 20 सालां दे विच विच तुहाडियां जड़ां हिला के रख दूगा तुहाडे तख्तां नूं, क्योंकि जिस वेले 20 साल दे सी उस वेले इनकलाब दे दौर चों निकल रहे सी। आपां नूं इह चीज़ां याद रखणियां चाहीदियां कि साडे पुरखियां ने किड्डियां किड्डियां कुर्बानियां कीतियां, जिहड़ी उम्र च साढ़े नौजवान अपने बापू तो मोटरसाइकिल मंगते हैं, उस उम्र च भगत सिंह होरी अंग्रेजा तो मुल्क मंग रहे सी कि साड़ा मुल्क दिओ सानू, आ फर्क है जी। एवें नहीं मेले लगते है, एवें नहीं नतमस्त करते लोग। परमात्मा किसी किसी बंदे नू खास ड्यूटी ला के भेजदा कि काम तू यही करना है। परिवार बैठा है भगत सिंह होरां दी अगली कुर्सी नामे चो कितों ना कितों जुड़दी है परिवार दे संबंध, मत्था टेक के आया सरदार अजीत सिंह चाचा जी, जिथों चिणग लगी असल च, जला बतनी कट्टी, देश निकाला कट्टिया, संजोग जा कुदरत कह लो, मौत किदे होई, शहीदी किदे होई, डलहौजी सीगे 15 अगस्त 1947 नू, ते जानदे होए दे लफज की सी, शुक्र है रब्बा साडा मकसद पूरा हो गया, साडा मंतव पूरा हो गया, आखिरी सां आजादी च लेके जा रहे हैं। उस परिवार मैं बहुत किताबां, बहुत भगत सिंह होरां दे कोरियोग्राफियां, नाटक देखे, महज इन्नी छोटी उम्र च इन्नियां किताबां उन्होंने पढ़ लिया, एक चलदा फिरदा इनसाइक्लोपीडिया बन गए सी, हर गल दा उन्हां कोले तर्क समेत जवाब सी। शहीद आजम भगत सिंह होरां नूं कदे भी इस गल की चिंता नहीं सी कि देश आजाद होगा या ना, वो कहिंदे आजादी तो आनी आनी है, चिंता इस गल की सी आजादी तो बाद देश किहड़े हत्थां जाऊगा, और बड़ी सही चिंता सी। आजादी तो बाद जिहड़े हत्थां च गया अज तक 70-75 साल तो हो गए, की खट लिया, वो रंग ही बदलिया बस, तहां जिहड़े राज चलाउंदे ने उही कुछ फिर चली जांदा है। हजे तक सीवरेज दे ढक्कण नहीं पूरे होए सातों, हजे तक टोबियां ते खड़े हाँ, किसी ने एजुकेशन की गल नहीं की, इदू पहला कोई इलाज की गल नहीं की, कोई अगे बढ़न की गल नहीं की। मैं बहुत विचरिया जदों कलाकार दे तौर ते भी, मैनू कई जगह ते मंत्री साहब बैठे ने, तुहानू भी बहुत सारे लोग मिलते होणगे पब्लिक लाइफ च, बजुर्ग मिल जांदे सी, सिस्टम तो दुखी हुंदे सी, उह कहिंदे सी पुत अज तो 15 साल पहलां दी गल सुणना मैं, पुत इहदे नालों तां अंग्रेजां दा राज ही चंगा सी। फिर उस वेले मैनू शहीद आजम भगत सिंह होरां दी आत्मा तड़फदी नजर आउंदी सी कि जे उन्हां नूं ही चंगे कहाउणा सी अंग्रेजां नूं ही, फिर असी 23-23 साल दे हीरे क्यों गवाले, वह भी 90-90 साल दी उम्र भोग के जांदे।
क्योंकि जो चिंता सी कि आजादी तो बाद मुल्क जिहड़ा वह किहड़े हत्थां 'च आऊगा। बड़ा छोटा जिहा सफर सी पर उस सफर बारे जिन्नियां किताबां लिखी जाओ घट ने। यह उमरां नाल नहीं कोई वड्डा हुंदा, आपां उमरां नाल गिण लग जांदे आ। तुहाडे पिंड च भी जां तुहाडी कोई रिश्तेदारी च अज भी कोई 90 साल का 92 साल का 95 साल का बजुर्ग मंजे ते पिया होना, पिछले 1.5-2 साल तो मौत नूं उड़ीकी जांदा होना। थानू आप नहीं पता हों पिंड कि उन्हों का जोड़ा बजुर्ग है वह मर गया जा हजे ज्यौदा है, इन्नी गुमनामी रही है 95 साल की उम्र होकर भी। तो इधरले पासे 23 साल की उम्र सी रही दुनिया तक नाम रहना है। सो इस करके मैं एक दिन कलम नाल लिखा कि आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। ख्याल बड़े सी भगत सिंह होरां दे, ता करके उमरां दे मोहताज नहीं सी। सो वीरो जिन्हें यह कहता होवे घरें कि मैं ब्याह नहीं करवाउणा, पहला चाची बैठी है रोण वाली, एक होर आ जाऊगी रोई जाऊगी, मैं तो वतन दे लेखे हाँ। फिर लिखिया कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। आ सोचा कमाल, कदे कदे तो पढ़ के मैं तो शहीद आजम भगत सिंह जिन्नियां भी किताबा जीवनियां जेल डायरिया जिन्नियां पढ़िया ने नाल रुमाल रखता हूं मैं, क्योंकि हर दूजे तीजे पन्ने बाद अखां पूंझणियां पैंदियां ने कि एड्डी एड्डियां कुर्बानियां, एड्डी वड्डी सोच। तो मैं दुख उस वेले हुंदा आ जदों कुछ वो बंदे कहिंदे भगत सिंह नूं असीं शहीद नहीं मानदे, भगत सिंह ना जी वो तो ऐ सी आ सी। और मैं आ गया थोड़े तो एनओसी लैण की लोड़ आ, उहनूं तुसीं कौन हुंदे हो बई, उसे भगत सिंह होरां दे लागू करवाए हुए संविधान की सहु खा के तुसी जीतते हो, बाद क्यों मैं मानता नहीं उन्होंने। इस करके आम तौर पर जो सरकार बनदिया ने गवर्नर हाउस के होंगे सहु चुक समागम, जब पिछली सरकार ने उदू पहला स्टेडियम किया क्रिकेट स्टेडियम च सहु चुक समागम। पर जदों तुसी जिम्मेवारी दिती, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद के नारे के नाल मैं हरेक रैली खत्म करता सी, इस करके जो तुसी इनकलाब लिया तो सहु चुक समागम की गल हुई, मैं कहा जी खटकड़ कला जाना है उत्थे शहीद आजम को श्रद्धांजलि दे के फिर काम शुरू करना है, क्योंकि उन्होंने सोचा अगे बधाउणा है, वो तो अपना योगदान पा गए, आपां तां कल्ला उन्हां दीआं पैड़ां 'च पैर धरना। तो 16 मार्च न ऐसे धरती से तुहाडे चो भी बहुत सारे लोग आए होणगे, इत्थे सहु चुक समागम होया पहली बार होया देश च कि किसी शहीद के पिंड च जिहड़ा वो सहु चुक समागम होया होवे। इत्थों सरकार की मंशा का पता लग जांदा कि वो करना की चाहुंदे आ। सो उस करके असीं कर रहे हां काम। अज मैनूं थोड़ा जिहा बड़ा दुख जिहा हुंदा उदों जदों मैं कोई सड़क पर जाते जाते कोई मुंडा मोटरसाइकिल पर जाता है पिछे नंबर प्लेट पर भगत सिंह की फोटो लगी होंगी है, जां कोई कार जाती है वो पिछले शीशे पर भगत सिंह की फोटो लगी होंगी है, एदा मुछा ते हाथ रख के ते थले लिखा होंगे लगता है मैनू फिर आना पऊ। मैं क्या आहो उसे उड़ीकी जाए आप ना कर लियो कुछ, वो तो कर गए अपना काम जिहड़ा करना सी जी। आपां तां बहुत सौखी जिंदगी जिउ रहे हां, भगत सिंह होरां ने तां क्रांति उस वेले लियांदी जिस वेले 302 दे परचे दर्ज सी, भेस बदल के जाना पैंदा सी, पब्लिक च नहीं जा सकदे सी, ओह रात नूं परचे वंडदे सी अद्धी रात नूं, सरकारां मगर पईआं होईआं सी। हुण तां आपां ने जो बाई च तुसीं कीता है, मैं यही कहिंदा रहा कि इक ओले च इक स्कूल च जाके एक परदे दे ओले मशीन पई है उस एक बटन दबना है, वह बटन दबण नाल आपां नूं आ जिहड़ी
बाद च गुलामी आई हुई है आर्थिकता की, भ्रिष्टाचार की, रिश्वत की, यह गुलामी तो छुटकारा मिल जू। ना कोई पिस्तौल चलाने की लड़ है, ना बंब सुट्ट की लड़ है। सो तुसी हो जिम्मेवारी साढ़े जिम्मे लाई परमात्मा अगे, रोज़ अरदास करते हैं परमात्मा जो लोगों ने उम्मीद लाई है उस उम्मीद पर पूरा उतरन वास्ते बल बख्शी, समत बख्शी। कोई गलत फाइल ना साइन हो जाए जिदे नाल किसी घर का चुल्हा बुझदा हो गए, एहो जिहियां फाइलों पर साइन करवाई जिदे नाल लोगों के घर खुशियां खेड़े आउण, चिराग जगन, ढोल बजन, खुशियां मनाउण। लोग इस मंतव ते चल रहे हैं। हर रोज़ कितने ना कितने तुम देखते होंगे नियुक्ति पत्र दे रहे हैं मुंडे कुड़ियों नूं काम। 36,000 तो 36,548 हो गए जी हुण तक सरकारी नौकरियां जिन्हां नूं असीं वंड चुके हैं। नियुक्ति पत्र दे के उन्हां नूं कुर्सियां ते बैठे ने। हो सकदा थोड़ा कोई रिश्तेदार होवे, हो सकदा थोड़ा कोई पिंड दा बंदा होवे, पर हाँ ये नहीं हो सकदा कोई कि किसी रिश्तेदार नूं कह के सिफारिश ला के जां पैसे दे के कोई बंदा किसी होर दा नंबर कट के आप लग गया होवे, ये नहीं हो सकता।